हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ दिस प्रोजेक्ट सीरीज होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो सीधा प्रोजेक्ट पर आते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको यहाँ पर डाउनलोड करनी है दो चीजें। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने से पहले अगर आपके पास जावा इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, जावा से मेरा मतलब जेडीके का है। ठीक है, आपको जेडीके इंस्टॉल करना है। ठीक है, जेडीके इंस्टॉल करना है, नेट बीन्स इंस्टॉल करना है। इसमें हम नेट बीन्स यूज करेंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, आपके पास नेट बीन्स इंस्टॉल्ड नहीं है, आपके पास एक्लिप्स है, तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, दोनों सेम ही है, आप एक्लिप्स पे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जेडीके कंपलसरी है, जेडीके डाउनलोडेड होना चाहिए आपके सिस्टम में। ठीक है, अगर जेडीके डाउनलोडेड नहीं है तो आप पहले प्लीज जेडीके डाउनलोड करिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता जेडीके डाउनलोड कैसे होगा तो यूट्यूब पर बहुत वीडियोज है, वो आपको बता देंगी। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी एक वीडियो का आप रेफरेंस यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास नेट बीन्स है, या फिर आपके पास एक्लिप्स है, या फिर आपके पास इंटेल आईजे है, ठीक है, तीनों आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे नेटबीन्स है। ठीक है, तो मैं नेटबीन्स खोल रहा हूँ, आपके पास जो भी है आप उसको खोल लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको खोलने दो, इसको 2 मिनट लगेंगे खुलने में। या ठीक है, तो नेटबीन्स खुल चुका है यहाँ पर। ठीक है, मैंने डार्क थीम लगाई हुई है, इसलिए मेरा ऐसा है। ठीक है, आपका शायद लाइट थीम में होगा तो अलग बात है, आप भी डार्क थीम लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन में जहाँ जाना है। ठीक है, ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है फॉन्ट एंड कलर्स में। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे होता है, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सियान है यहाँ पर और ब्लू है। ठीक है, तो मैंने ये चूज किया हुआ है, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। और तो आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाना है, आपको फाइल में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। ठीक है, जावा और जावा एप्लीकेशन यहाँ बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होंगे, आपको कुछ हिंडर नहीं है। आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, जो कि है अपना होटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया होटल मैनेजमेंट सिस्टम, मेक श्योर स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। ठीक है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, यह स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बन के आएगा, फिनिश मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है, एंड प्रोजेक्ट आपके सारे यहाँ पर आते हैं, जो आपको आपको यहाँ पर लेफ्ट विंडो दिख रही है। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट आ चुका है। ठीक है, एंड इसने एक जावा क्लास मेरे को ऑलरेडी बना कर दी है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर एक्सपेंड किया, सोर्स पैकेज एक्सपेंड किया, एंड यहाँ पर होटल डॉट मैनेजमेंट डॉट सिस्टम, मेरे पास यहाँ पर एक पैकेज ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिसमें मेरे पास यहाँ पर ये वाली क्लास आई है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, मेक श्योर कि आप जितनी भी कोडिंग करोगे वो सभी एक इस ऐसे पैकेज के अंदर करोगे जिसका नाम होगा होटल डॉट मैनेजमेंट डॉट सिस्टम। ठीक है, या फिर जिस भी नाम से आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया है उसी नाम से एक पैकेज जनरेट हुआ होगा, उसके अंदर आपको क्लासेस बनानी है। ठीक है, क्योंकि बहुत बंदे क्लासेस बनाते हैं डिफॉल्ट पैकेज के अंदर। ठीक है, वो यहाँ पर क्लिक करते, ठीक है, और फिर बाद में वो क्लासेज उनकी चलती नहीं है। मेरे पास काफी बंदों के मैसेज आते हैं कि उनके कंसोल पर प्रिंट होता है प्रोजेक्ट बिल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, प्रोजेक्ट कंपाइल हुआ है सक्सेसफुली, लेकिन उनका फ्रेम नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है कि वो जो पैकेज, वो जो क्लासेस बनाते हैं, वो बनाते हैं डिफॉल्ट पैकेज में। ठीक है, डिफॉल्ट पे जैसे यहाँ पे होटल डॉट मैनेजमेंट डॉट सिस्टम लिखा है, ऐसी एक डिफॉल्ट पैकेज भी लिखा आता है। ठीक है, वहां पर क्लासेज आपको नहीं बनानी है, आपको क्लासेज बनानी है यहाँ पे इस पैकेज के अंदर। तो एक एक क्लास मेरे पास इस पैकेज के अंदर, मेरे पास यहाँ पे एक क्लास ऑलरेडी बनी हुई आई है। ठीक है, तो इसी क्लास का यूज करते हैं, जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं उसको हटाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे स्विंग्स का। स्विंग से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हो। ठीक है, जो अभी पिछली वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया था वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी। ठीक है, तो स्विंग को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लास को एक्सटेंड कराना पड़ेगा, जो कि होती है जेफ्रेम। जेफ्रेम के अंदर हमारे पास जितने भी लेबल्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं। ठीक है, मैंने उसमें इमेजेस का यूज किया था, आपने वहाँ पे देखा था, तो मेरे पास कॉम्बो बॉक्सेस थे, चॉइस थी कि मेरे पास वहाँ पे ड्रॉप डाउन था। ठीक है, बटन्स थे, वो सभी इस क्लास के अंदर होते हैं, जो होती है जे फ्रेम। अब जो जे फ्रेम क्लास होती है अपनी, ये होती है अपनी स्विंग पैकेज के अंदर। तो आपने यहाँ पर एक्सटेंड जे फ्रेम किया, और मेरे को यहाँ पे अब इम्पोर्ट कराना पड़ेगा, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार। ठीक है, तो देखो एरर चला गया, क्योंकि अपनी जो जे फ्रेम क्लास होती है वो होती है स्विंग पैकेज के अंदर। ठीक है, तो अपने को स्विंग पैकेज यहाँ पे इम्पोर्ट कराना है, इम्पोर्ट कराते ही ये एरर गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, आप ध्यान रखना कि फ्रेम की जितनी भी कोडिंग होगी वो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर होगी। ठीक है, मेरे फ्रेम की जितनी भी कोडिंग होगी पूरी कोडिंग एक कंस्ट्रक्टर के अंदर होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्यू होगी, आपको आगे जाकर समझ आएगा। ठीक है, जब मैं इस क्लास को चलाऊंगा आपको तब समझ आ जाएगा कि क्यू होगी। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम। ठीक है, आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, अब फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेम बनाना सिखाता हूँ। फ्रेम बनाने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ एक कमांड लिखनी है, जो कि है सेट साइज, फ्रेम के साइज सेट करती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 400 दिया और 400 दिया, ये मेरे फ्रेम की लेंथ है और मेरे फ्रेम की ब्रेथ है। सेमी कॉलन लगाया, एरर गया। ठीक है, फ्रेम की मैं लेंथ दे रहा हूँ 400,
फ्रेम की मैं ब्रेथ दे रहा हूँ 400, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक कमांड और लिखनी है, ठीक है। इस कमांड से मेरा जो फ्रेम है वो बन के तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक कमांड और है, बाय डिफॉल्ट जो हमारे जितने भी फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, वो सेट विजिबल फॉल्स होते हैं, मतलब वो दिखेंगे नहीं आपको, ठीक है। वो वहां पर होंगे लेकिन आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो सेट विजिबल फॉल्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो आपको उनको सेट विजिबल ट्रू करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेट विजिबल एंड ट्रू, ठीक है। चलाता हूँ मैं इसको, शिफ्ट F6 मैंने यहाँ पर दबाया इसको चलाने के लिए, ठीक है। अभी चलेगा नहीं क्योंकि मेरे को यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, तो मैंने यहाँ पर किया न्यू और इसको को पेस्ट पेस्ट किया और डॉट ये, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ बिल्ड बिल्ड सक्सेसफुल लिखा आया था, मतलब क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास फ्रेम नहीं आया क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, ठीक है। अब करता हूँ शिफ्ट F6, अब देखना तो मेरे पास जो जो फ्रेम था वो बन के तैयार है बिल्कुल, ठीक है। ये अपना फ्रेम है, ठीक है। तो फ्रेम बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, कि पीछे पीछे अगर आपने देखा होगा तो भाई ये कैसे बना है, सिर्फ दो लाइनें लगी हैं मेरे को आपका फ्रेम बनाने के लिए, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन 0 0 पर आएगा, ये यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट टॉप में अगर आप देखोगे तो ये ओरिजिन होता है 0 0, ठीक है। तो इसकी लोकेशन मैंने कोई सेट नहीं की हुई, इसलिए वहां पे आ रहा है। तो हमारे पास एक कमांड ओवर होती है जो की होती है सेट लोकेशन। आप लोकेशन सेट कर सकते हैं कि किसी भी फ्रेम की, ठीक है। एक्स एक्सिस से सेट कर सकते हैं और वाई एक्सिस से सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन होता है, नीचे अगर यहाँ से आओगे तो ये वाई वाई एक्सिस होता है, एंड इसके अगर राइट जाओगे तो ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सपोज दे रहा हूँ 300 एंड 300, ठीक है। मेरे को पता नहीं कहाँ पर आएगा, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि लेफ्ट से भी 300 है एंड ऊपर से भी 300 है, ठीक है। तो इतना करने से आपका ये पूरा ये बन जाता है। अब हमारे पास एक कमांड और होती है सेट बाउंस। आप यहाँ सेट बाउंस, हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन ओवर होता है। मैं तब से कमांड्स बोल रहा हूँ क्या यार, शिट, ये फंक्शंस हैं, ठीक है ना, कमांड्स नहीं है, फंक्शंस हैं। ये सभी फंक्शंस होते हैं हमारे जे फ्रेम क्लास के अंदर, ठीक है। जे फ्रेम क्लास के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक और फंक्शन होता है जो कि होता है सेट बाउंड। सेट बाउंड्स में आपको सेट साइज देने की कोई जरूरत नहीं है, सेट लोकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों होती हैं इसमें। अगर आप यहाँ पे देंगे तो जो हमारा सेट बाउंड फंक्शन है वो चार आर्ग्यूमेंट लेता है। पहले दो आर्ग्यूमेंट्स में लोकेशन होती है, सपोज मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 300 300, ठीक है। फिर जो दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं लास्ट के, उसमें होता है हमारा फ्रेम का साइज। तो फ्रेम का साइज कितना है हमारा, 400 400, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये दो कमांड्स लिखी और अब मैं इन दोनों कमांड्स को कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सेट लोकेशन और सेट साइज को मैंने यहाँ पे किया कमेंट, ठीक है। सेव किया, शिफ्ट F6 दबाया, आप देखेंगे कि फ्रेम जो है वो जू का तो बन के तैयार है, ठीक है। तो आप या तो सेट बाउंड्स का यूज कर सकते हैं या फिर आप सेट साइज और सेट लोकेशन इनको अलग अलग भी दे सकते हैं, ठीक है, दोनों से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो फ्रेम है उसमें एक इमेज है, ठीक है, पूरे फ्रेम में एक इमेज है। तो सबसे पहले अपने फ्रेम में इमेज लगाते हैं। इमेज के लिए आपको, इमेजेस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। इसको फ्रेम को क्लोज करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको ये सभी आइकन्स भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, ठीक है, वहां से आपको ये सभी आइकन्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी के लिए मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको क्लोज किया। आपको वहां पे जाना है जहां पर आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो डी में है, डी में है और जावा के अंदर है और यहाँ पे है, इस वाले फोल्डर में है, और ये वाला यहाँ पर मेरा पैकेज क्रिएट हुआ है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आपको इसके अंदर जाना है, इसके अंदर जाना है, आपको सोर्स में जाना है, होटल में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, सिस्टम में जाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक क्लास है जो कि है होटल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर क्लास बनाई हुई है, ये रही होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अभी मेरे पास सिर्फ यही है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास सिर्फ एक ही पैकेज है होटल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, और मेरे पास कोई और पैकेज है ही नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। फोल्डर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाया मैंने यहाँ पर, फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट की हुआ होती है। मैंने यहाँ पर लिखा आइकन्स, ठीक है, जहां पर आपकी क्लासेस बनेंगी सारी वहीं पर ही आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। आइकन्स खोला मैंने और यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी मार दिया, जितनी भी इमेजेस मैंने वहाँ पे कॉपी की थी वो सभी इमेजेस यहाँ पर आके पेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा करता हूँ, आपको दिखेगा कि ये सभी इमेजेस हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी इमेजेस हैं। अब जो नीचे आप देख रहे हैं वो ये वाली इमेज है, फर्स्ट डॉट जेपीजी, ठीक है। मेरे को ये वाली इमेज उठानी है, ठीक है, ये वाली इमेज मेरे को उठानी है, और आप इसका साइज भी देख सकते हैं, 1366 एंड 565, ठीक है। तो जो मेरी इमेज है वो पूरे फ्रेम को
कवर कर रही है, तो फ्रेम का साइज भी इतना ही देते हैं, ठीक है, 1366 x 565, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फ्रेम का साइज दिया 1366 x 565, ठीक है। इसको चलाते हैं तो या बिल्कुल परफेक्ट आई है, ठीक है। अब मेरे को वहां से इमेज उठानी है, आप यहाँ पर देख भी लेंगे कि जो मैंने वहां पर फोल्डर क्रिएट किया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया आएगा, ठीक है। होटल डॉट मैनेजमेंट डॉट सिस्टम डॉट आइकन्स, मतलब होटल के अंदर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक और फोल्डर है सिस्टम के नाम से, ठीक है, और सिस्टम के अंदर मेरे पास एक और फोल्डर है आइकन्स के नाम से। और अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सपेंड करके आपको दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर सभी इमेजेस भी हैं, ठीक है, तो परफेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सभी इमेजेस यहाँ पर अपने पास हैं, और यहाँ पर मेरे पास वॉली इमेज भी है जो मेरे को उठानी है, फर्स्ट डॉट जेपीजी के नाम से होगी, ये रही फर्स्ट डॉट जेपीजी, ठीक है। तो इस इमेज को मेरे को यहाँ पे उठाना है, तो हमारे पास यहाँ पर एक क्लास होती है इमेज आइकन के नाम से, ठीक है। अगर आपको कोई भी इमेज अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करनी है तो आपको यहाँ पर इमेज आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। आई1 मैंने यहाँ पर लिखा इज इक्वल्स टू, और न्यू इमेज आइकन लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। इस इमेज आइकन क्लास का मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्लास होती है क्लास लोडर, ठीक है। अगर आपको अपने आपके सिस्टम में से, ठीक है, जो आपकी डेस्क है वहां से कोई फोटो उठानी है तो उसके लिए आपको क्लास लोडर का यूज करना पड़ेगा। ये क्लास होती है और उसके अंदर हमारे पास एक स्टैटिक मेथड होता है जो कि होता है गेट सिस्टम रिसोर्स, ठीक है। गेट सिस्टम रिसोर्स मैंने यहाँ पर किया, और गेट सिस्टम रिसोर्स में आप यहाँ पर अपने इमेज का एड्रेस देंगे, ठीक है, बाद में सेमी कॉलन लगाते हैं। तो यहाँ पे गेट सिस्टम रिसोर्स के अंदर मेरे को अपनी इमेज का एड्रेस देना है, ठीक है। एड्रेस देने के लिए मैंने यहाँ पर लगाया डबल इन्वर्टेड कोमा लगाए एड्रेस देने के लिए, ठीक है। अब जो आप देखेंगे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर तो हूँ, मैं ऑलरेडी सोर्स पैकेज के अंदर मैं ऑलरेडी हूँ, ठीक है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरी जो क्लास है वो सोर्स पैकेज के अंदर ऑलरेडी मैं हूँ, और जो मेरी क्लास है वो होटल के अंदर मैनेजमेंट के अंदर सिस्टम के अंदर मेरी ये वाली क्लास है होटल मैनेजमेंट सिस्टम। जावा कंपाइलर को मेरे को बताना पड़ रहा है कि जो मेरी क्लास है वो इन इन इस पैकेज के अंदर है, होटल के अंदर एक फोल्डर है मैनेजमेंट के नाम से, मैनेजमेंट के अंदर एक फोल्डर है सिस्टम, ठीक है, उसके अंदर मेरी ये क्लास है। तो मेरे को यहाँ पे कंपाइलर को अपने बताना पड़ेगा कि मेरी इमेज कहाँ पर है। तो जो मेरी इमेज पड़ी है वो बिल्कुल यहीं पर पड़ी हुई है, ठीक है। सोर्स पैकेज के अंदर मैं ऑलरेडी हूँ, ठीक है। होटल के अंदर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर सिस्टम है, सिस्टम के अंदर आइकन्स है। तो मैंने यहाँ पर लिखा होटल, होटल के अंदर मेरा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर मेरा सिस्टम है, और सिस्टम के अंदर मेरा आइकन्स है। आइकन्स के अंदर मेरी कौन सी इमेज है, फर्स्ट डॉट जेपीजी मैंने जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। तो फर्स्ट डॉट जेपीजी मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम इमेज आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो हम आइकन को हम डायरेक्टली फ्रेम पर पुट नहीं कर सकते, ठीक है, हम डायरेक्टली नहीं इसको पुट कर सकते। अगर मैं कोशिश भी करूंगा तो यहाँ पर एरर आएगा, ठीक है। तो एक इमेज को आपको यहाँ पे एक लेबल के अंदर डालना पड़ता है, ठीक है, तो मैं वही करता हूँ, ठीक है। तो जे लेबल मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है, जे लेबल मैंने यहाँ पर बनाया L1 के नाम से, और मैंने यहाँ पर लिखा न्यू जे लेबल, ठीक है, न्यू जे लेबल मैंने यहाँ पर लिखा। और मेरी जो पूरी इमेज है वो पड़ी है I1 ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैंने यहाँ पर लिखा I1 और लास्ट में लगाया सेमी कॉलन, परफेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ लेआउट्स भी होते हैं, ठीक है, लेआउट जो होता है वो आगे जाकर क्लियर होगा क्या होता है, अभी यहाँ के लिए उसको छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको अभी से इंट्रो दे रहा हूँ कि हमारे पास काफी तरह के लेआउट्स होते हैं। एक हमारे पास बॉर्डर लेआउट होता है, एक फ्लो लेआउट होता है, एक ग्रिड लेआउट होता है, एक ग्रिड बैग लेआउट होता है, और अगर आपको कोई भी लेआउट यूज नहीं करना तो हमारे पास एक लेआउट होता है नल, ठीक है, आप उसको नल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेआउट्स होते हैं कि आप किस तरह से अपने कंपोनेंट्स को फ्रेम पे प्लेस कर रहे हो, ये सब बताने के लिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं कोई लेआउट यूज नहीं कर रहा, तो मैंने यहाँ पर लिखा सेट लेआउट नल, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा लेआउट होता है वो बॉर्डर लेआउट होता है, तो अगर आप कोई भी लेआउट नहीं देंगे तो उस बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लेआउट उठाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेट लेआउट नल किया, इसका क्या मतलब है कि मैं जो अपने कॉम्पोनेंट्स हैं वो अपनी मर्जी से फ्रेम पे प्लेस करूंगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी मर्जी से मेरे को प्लेस करने के लिए मेरे को एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा जो कि होता है सेट बाउंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेट बाउंस फंक्शन लगाया, ठीक है। अब जो सेट बाउंस फंक्शन होता है वो चार आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ठीक है, चार आर्ग्यूमेंट्स लेता है, यही वाला फंक्शन है सेट बाउंस, ठीक है, जो चार आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कहां पर, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेम का उसका साइज, ठीक है, कितने साइज पर है, तो मैंने यहाँ पर वही लिखा। अब इस सेट बाउंड से मैंने क्या किया था कि मैंने स्क्रीन के हिसाब से मैंने फ्रेम की लोकेशन सेट की थी, ठीक है, लेकिन अब
अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ L1 की लोकेशन सेट फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो फ्रेम के अंदर मेरे मेरे जो इमेज की लोकेशन है वो एक्स और वाई से 0 0 पर है, ठीक है। एक्स और वाई से वो 0 0 पर है और उसकी विथ कितनी है, 13666 और 565, ठीक है। तो परफेक्ट है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। साइज भी यहाँ पर आ चुका है। अब मेरे को यहाँ पर इसको फ्रेम पे ऐड भी करना पड़ेगा, तो ऐड करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन हुआ होता है ऐड के नाम से, तो मैंने यहाँ पर किया ऐड L1, ठीक है। चला के देखते हैं, ये मैंने चलाया इसको, ओ इमेज नहीं आई, ओके। तो आपको, या ठीक है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सेट विजिबल जो हमारा मेथड होता है ना, वो हमेशा लास्ट लाइन में होगा, ठीक है। कि सेट विजिबल जो है इसका बहुत क्रुशियल रोल होता है, ठीक है। तो इसको आपको सबसे लास्ट में रखना है, तो आई होप अब काम बन जाना चाहिए। हाँ ठीक है, तो बात बन गई है, ठीक है। जो जो अपनी इमेज है वो फ्रेम के ऊपर आ चुकी है। ये थोड़ा नीचे आ रहा है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, सही नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसको ऊपर करने के लिए यहाँ पर इसको 200 करते देखते हैं, ठीक है। पूरा हिडन ट्रायल होता है सेट बाउंस के अंदर, आप जो भी कुछ लिखते हैं पूरा हिडन ट्रायल है, ठीक है। तो आप मेरे को भी देख के समझ गए होंगे कि पूरा हिडन ट्रायल है, ठीक है। अब आप अगर नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पास इसके ऊपर लिखा हुआ है होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और मेरे पास वहां पर एक बटन भी है, ठीक है। होटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिपर भी मार रहा है, अगर आपने पीछे वीडियो में देखा होता। तो जो होटल मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक लेबल की मदद से लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो एक लेबल है, तो जे लेबल मैंने यहाँ पर बनाया, जे लेबल L2 के नाम से, ठीक है। जे लेबल L2 इक्वल्स टू न्यू जे लेबल मैंने यहाँ पर लिखा, और इसके अंदर आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे वो एज इट इज वहां पर लिखा आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा होटल मैनेजमेंट। अब इसका सेट बाउंस देते हैं, ठीक है। तो L2 डॉट सेट बाउंस मैंने यहाँ पर दिया इसका। सेट बाउंस में मेरे पास यहाँ पर चार आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा मेरे को फ्रेम से कितने लेंथ पर चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने देखा हो, अब आप नीचे आप देख रहे हैं कि फ्रेम से जो होटल लिखा हुआ है फ्रेम से ज्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पर मैंने इसे सिर्फ इसको 20 दिया, लेकिन ऊपर से वो काफी नीचे, ठीक है। तो ऊपर से जो मेरा वो है फ्रेम है वो 565 लेंथ का है, ठीक है। तो कितना दे, 450 दे के देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर आपको इसकी विथ देनी है, लेबल की विथ आपको कितनी चाहिए, ठीक है। लेबल की विथ सपोज रखते हैं 1000 रखते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, ठीक है। पूरा हिडन ट्रायल होता है, तो अब अभी देखेंगे ये 70 का रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर मैंने ऐड किया L2 को, ठीक है। अब चला के देखते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो लेबल ऐड करना है वो इमेज के ऊपर ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे L1, जो मेरी जो इमेज है वो L1 पड़ी हुई है, तो आपको यहाँ पे ऐड फंक्शन जो कॉल करेगा वो L1 फंक्शन कॉल कॉल L1 ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा L1 डॉट ऐड L2, ठीक है। अब देखेंगे कि ये उसके ऊपर आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा ये लिखा है होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा लिखा है होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अभी इसको बड़ा भी करते हैं, सबसे पहले इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। कलर चेंज करने के लिए L2 डॉट सेट फोरग्राउंड हमारे पास एक मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फोरग्राउंड मेथड के अंदर हमारे पास एक क्लास होती है कलर के नाम से, ठीक है। कलर डॉट वाइट करते हैं, ठीक है। परफेक्ट, बिल्कुल कलर नहीं चल रही क्योंकि कलर जो होता है वो AWT पैकेज के अंदर होता है। तो मेरे को यहाँ पे इम्पोर्ट java.awt.star करना पड़ेगा, ठीक है। परफेक्ट है, चल रहा है, हाँ चल रहा है, ठीक है। तो सेट फोरग्राउंड मैंने यहाँ पर किया, मतलब उसका जो कलर है होटल मैनेजमेंट सिस्टम का मैंने उसको कर दिया वाइट। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं वाइट कलर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। बड़ा करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है सेट फॉन्ट, या ये वाला मेथड होता है, ठीक है। सेट फॉन्ट हमारे पास एक मेथड होता है, इसके अंदर मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फॉन्ट क्लास का, ठीक है। फॉन्ट क्लास का मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया और ये लेता है तीन तीन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्टर में मेरे को यहाँ पे तीन आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे, ठीक है। पहला जो होता है वो किस टाइप का है, तो मेरे पास यहाँ पे दो होते हैं, एक सेंस सेरिफ होता है एक सेरिफ होता है। तो सेरिफ देते हैं, ठीक है। सेरिफ में यहाँ पर फॉन्ट डॉट, अब मेरे पास यहाँ पर काफी सारे हैं, ठीक है। फॉन्ट डॉट बोल्ड है, इटैलिक है, प्लेन है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे प्लेन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर प्लेन लिया। अब मेरे को यहाँ पे फिर लास्ट होता है आपको उसका साइज कितना देना है, ठीक है। तो साइज जो होता है सपोज कितना दे, ऊपर मैंने 70 दिया है, तो 70 दे के देखते हैं, फिर बाद में चेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 70 दिया उसका, ठीक है। तो या होटल मैनेजमेंट सिस्टम आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ऊपर करने के लिए इसको 450 से इसको कर देते हैं 410, ठीक है। ये ज्यादा ऊपर हो गया, तो थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा हिडन ट्रायल होता है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था, ठीक है।
ये पूरा हिडन ट्रायल होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जी थोड़ा सा कट रहा है, ये जो जी है ये थोड़ा कट रहा है, वाई थोड़ा कट रहा है, क्योंकि इसकी जो विथ है, लेबल की जो विथ है वो ज्यादा नहीं है। तो लेबल की विथ बढ़ाने के लिए मेरे को यहाँ पे 70 से बढ़ा के इसको 90 करते हैं, ठीक है। ये विथ है यहाँ पर, आप इसकी विथ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल परफेक्ट है, जी और वाई बिल्कुल परफेक्ट आए अब, ठीक है। तो आप यहाँ से उसकी विथ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप उसका उसका लेंथ बढ़ा सकते हैं लेबल की, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये बिल्कुल परफेक्ट है, अब इसको डिपर मारते हैं, ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा तो डिपर मार रहा था, ठीक है। डिपर मरवाने के लिए हम यूज करेंगे मल्टी थ्रेडिंग का। मल्टी थ्रेडिंग में हमारे पास एक फंक्शन होता है थ्रेड डॉट स्लीप, ठीक है, हम उसका यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर किया वाइल ट्रू, ठीक है, मतलब वाइल का मैं यहाँ पर एक इनफाइनाइट लूप चला रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को जो डिपर मार रहा है वो उसको मेरे को रोकना नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर किया, मेरा जो पढ़ा है ये L2 में पढ़ा है, तो L2 डॉट सेट विजिबल फॉल्स किया, ठीक है। तो इनिशियली मैं बोल रहा हूँ कि मैं इनिशियली इसको इनविजिबल कर रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर इनविजिबल रहे, ठीक है। ये क्यों एरर दे रहा है, अनरीचेबल स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि वाइल यहाँ पर ट्रू है तो ये चलता जाएगा, ठीक है। अब अभी के लिए इनफाइनाइट लूप में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लगाया ट्राई, ठीक है, क्योंकि हम अब यहाँ पे मैं लिखूंगा थ्रेड डॉट स्लीप। थ्रेड डॉट स्लीप जो होता है वो ट्राई और कैच के अंदर आता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा थ्रेड क्लास का, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया मतलब उसकी क्लास लिखी, ठीक है। और थ्रेड क्लास के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक मेथड होता है स्लीप, या ये वाला स्लीप मेथड होता है, और ये लेता है आर्ग्यूमेंट्स मिली सेकेंड्स में, ठीक है। तो मिली सेकेंड्स में कितना रोकना है मेरे को, सपोज 500 मिली सेकेंड्स रोकते हैं, ठीक है। 500 मिली सेकेंड्स मैंने यहाँ पर रोका। अब ये कैच लगाते हैं, यहाँ पर कैच मैंने यहाँ पर दिया एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ई मैंने यहाँ पर दिया, परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। अगर एक्सेप्शन आती है तो इसको L2 डॉट सेट विजिबल को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ट्रू, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको, अगर आप वहां पे देख रहे हो तो वो डिपर मार रहा था, मतलब वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिली सेकंड्स के लिए गायब हो रहा था, फिर एकदम से आ रहा था, फिर वो गायब हो रहा था, फिर वो एकदम से आ रहा था, ठीक है। तो वो यहाँ से गायब हो रहा है इस लाइन से, ठीक है, और इस लाइन से वो वापस आ रहा है, मतलब यहाँ पर मैंने उसको गायब किया, ठीक है, और फिर उसको टाइम को रोका 500 मिली सेकेंड के लिए, और फिर यहाँ पर मैं उसको वापस लेके आया, ठीक है। फिर टाइम को दोबारा रोकना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो अगर यहाँ पे इसके बाद अगर टाइम को नहीं रोका तो फिर वो आते ही वो दोबारा वापस भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम को रोकेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा थ्रेड ऑफ स्लीप, थ्रेड ऑफ स्लीप, और यहाँ पे मैंने डाला 5500, ठीक है, परफेक्ट है बिल्कुल। लेकिन अब जो थ्रेड ऑफ स्लीप आता है वो ट्राई और कैच के अंदर आता है, तो एक काम करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, और यहाँ पे लिखा मैंने ट्राई, ठीक है। ट्राई के अंदर मैंने यहाँ पर दिया थ्रेड ऑफ स्लीप को, ठीक है, जो थ्रेड डॉट स्लीप है इसको मैंने डाला यहाँ पे ट्राई के अंदर। एक सेकेंड, ये इसको थोड़ा सा सही करते हैं अलाइनमेंट इसकी, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर दिया कैच दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा एक्सेप्शन ई, परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो या परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो परफेक्ट है बिल्कुल। ये एरर दे रहा है शायद, यहाँ पे मिसिंग है इस वजह से दे रहा है, या ठीक है। अनरीचेबल स्टेटमेंट, इसको ऊपर लिखते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को, ठीक है, क्योंकि नीचे इनफाइनाइट लूप है तो वहां से बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इनको मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा, परफेक्ट बिल्कुल, चला के देखते हैं। इसको रन किया मैंने, या परफेक्ट बिल्कुल चल रहा है, ठीक है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ ये डिपर मार रहा है, बहुत बढ़िया। अब अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे पास यहाँ यहाँ पर एक बटन भी है, ठीक है, नेक्स्ट का बटन है, ठीक है। अब वो बटन बनाते हैं, बटन बनाने के लिए जो क्लास यूज होती है वो होती है जे बटन, ठीक है, ठीक है। तो जे बटन जो मेरी क्लास है वो बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी ऊपर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बना लो, ठीक है। जे बटन इज इक्वल बी वन इज इक्वल टू न्यू जे बटन मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा इसको नेक्स्ट के नाम से, जो भी आप यहाँ पे अंदर लिखेंगे वो यहाँ वो बटन के ऊपर लिखा आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो बटन है उसका बैकग्राउंड सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेट बैकग्राउंड, मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है जो होता है, जो जिसमें कलर क्लास का ऑब्जेक्ट के साथ मैं यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड, उसका ब्लैक दे रहा हूँ, और जो बटन के ऊपर जो लिखा आएगा, ठीक है, जो फॉन्ट होगा उसका कलर, ठीक है, उसको सेट करने के लिए सेट फोरग्राउंड हमारे पास एक मेथड होता है, ठीक है, उसका मैंने यूज किया यहाँ पे सेट फोरग्राउंड, और यहाँ पे मैंने दिया कलर डॉट वाइट, ठीक है, परफेक्ट बिल्कुल। अब मेरे को वो देना पड़ेगा, इसको सेट बाउंस करना पड़ेगा कि मेरे को इसको कहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। तो लेबल जो आया था मैं, मेरा वो 2430 पर आया था, और जो 1000 तक था, मतलब 1000 तक तो लेबल ही जाएगा, ठीक है, 1000 तक लेबल जाएगा, 1000 प्लस 20, क्योंकि 20 जो है वो एक्स एक्सिस से, मतलब उसकी जो उसकी फ्रेम की विथ है, ठीक है, उससे वो 20 आगे है, और जो उसकी लेंथ है होटल मैनेजमेंट सिस्टम के वो है
1000, ठीक है, तो 1020 तक तो मेरा लेबल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसके आगे से मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1030, अभी डाल के देख रहे हैं, ठीक है। 430 पर मेरा ये है, ठीक है, तो इसको भी 430 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बटन की विथ कितनी है, सपोज 150 देते हैं, एंड उसकी लेंथ उसी 150, ठीक है, और विथ उसकी कितनी, सपोज 30, ठीक है। ऐड करते हैं B1 को, तो L1 डॉट ऐड करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, L1 डॉट ऐड किया मैंने यहाँ पे B2। L1 मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को उसको इमेज के ऊपर ऐड करना है, ठीक है। इमेज के ऊपर ऐड करने के लिए मेरे को उस इमेज का ऑब्जेक्ट का यूज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेबल में किया था। और ये B2 नहीं है, B1 है, ठीक है, चला के देखते हैं। तो चलाया मैंने यहाँ पर, और आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट बटन है मेरा वो यहाँ पर आया है, ठीक है। इसको उल्टा करते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, यहाँ पे बैकग्राउंड इसका वाइट देते हैं और जो फोरग्राउंड इसका वो देते हैं ब्लैक। ब्लैक बैकग्राउंड देखने में अच्छा नहीं लग रहा, हाँ ठीक है, अब से लग रहा है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और थोड़ा उसको वहां पे लेके आते हैं नीचे, ठीक है। तो इसका विड्थ बढ़ाते हैं, इसको 50 किया मैंने, ठीक है, और इसको थोड़ा नीचे करने के लिए इसको किया 70, ठीक है। इसको थोड़ा हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, बस थोड़ा सा ऊपर करना है, आगे बढ़ाना है। तो इसको मैंने किया यहाँ पर 50, आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर किया 70, ज्यादा आगे ना हो जाए, ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। इसको थोड़ा और आगे करते हैं, ठीक है, इसको 1100 कर देते हैं, ठीक है, अब देखते हैं। या ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो 150 करते हैं, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। जो अपना फर्स्ट फ्रेम है वो बन के बिल्कुल तैयार है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा क्योंकि इस बार मैंने बिल्कुल लाइन बाय लाइन कोड लिखा है। ठीक है, तो आगे पूरे प्रोजेक्ट में लाइन बाय लाइन ही कोड लिखेंगे, ठीक है, तो आई होप सब कुछ समझ आएगा। तो नेक्स्ट फ्रेम जो है हमारा वो लॉगिन फ्रेम है, ठीक है, मतलब जब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तब वो लॉगिन फ्रेम खुलना चाहिए, ठीक है। अब अभी अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी कुछ होएगा भी नहीं, पहले मेरे को लॉगिन क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। लॉगिन क्लास में पहले मेरे को लॉगिन फ्रेम बनाना पड़ेगा, फिर इससे उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फ्रेम को लॉगिन फ्रेम से कनेक्ट करने के लिए मेरे को यहाँ पे लॉगिन फ्रेम की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले नेक्स्ट, तो नेक्स्ट फ्रेम में पहले लॉगिन फ्रेम बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको कनेक्ट करते हैं कि जो नेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करूं तो ये वाला फ्रेम जो है वो क्लोज हो जाए और जो लॉगिन फ्रेम खुल जाए, ठीक है। तो ये कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए सी या।